ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਲੱਗੇ, ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ। गुरु नानक हॉस्पिटल की ए बैक साइड है मेडिकल कॉलेज वाले पासे जिथे अग लगी सी और अग बहुत ज्यादा भयानक सी, पर तुसी देख सकते हो कि फायर ब्रिगेड या जिहड़ियां टीमां ने पुलिस प्रशासन उन्हां वालों तुरंत पहुंच के इस अग ते जो है काबू पाया गया। तो कुछ देर पहला इथों जिहड़े विधायक ने कुंवर विजय प्रताप वह भी पहुंचे सी, तो उन्हां दा भी कहना सी बहुत सारिया कमियां जिहड़ियां ने वह सामने आईया ने, हालांकि जांच तो बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार अग लगन की वजह की सी। तो इत्थे तुहानू मैं दसदा कि यह एक ट्रांसफॉर्मर है और पूरा एक यूनिट है, इत्थों जिहड़ी असीं कह सकते हैं कि बिजली की सप्लाई हॉस्पिटल नूं जांदी सी और इत्थों ही इस अग की जिहड़ी शुरुआत दस्या जा रहा कि कोई सी। आ तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ियां बिजली दियां तारां पूरी तरह सड़ के सुआह हो चुकी ने, हॉस्पिटल का काफ़ी हिस्सा जिहड़ा वह नुकसानिया गया, पर इत्थे चंगी खबर या चंगी गल यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, लोगों की जिहड़ी सूझबूझ सी उहदे करके उस नुकसान नूं तां बचा लिया गया। तो यह ट्रांसफार्मर तुसीं देखो कि पूरी तरह सड़ चुके ने, ये ट्रांसफार्मर अग दियां लपटां तुसीं देखियां कि बहुत जबरदस्त सी और ये जिहड़ी इमारत का हिस्सा तुसीं देख सकते हो कि पूरी तरह सड़ चुका और फायर ब्रिगेड दियां जिहड़ियां टीमां सी उन्हां वल्लों अग ते काबू पाया गया। हस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाने, ये हॉस्पिटल के अंदर नूं रस्ता जांदा, नुकसान जिहड़ा असीं कह सकते हैं कि जानी नुकसान नहीं होया, पर अग जिहड़ी है इत्थे हाले भी धुआं जिहड़ा तुसीं देख सकते हो और हाले भी धुआं, ये मशीना लाइट करो भाजी, इधर धुआं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सह लैन दिक्कत आ रही है। ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 'ਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ और किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया। एक बहुत चंगी खबर है, बहुत चंगी जानकारी है, पर आखिरकार इस अग लगन के पिछे के जिहड़े कारण ने वह जानने बहुत जरूरी ने। तो कुछ देर पहला कुंवर विजय प्रताप जो कि इस हल्के के विधायक ने उन्होंने भी जिक्र किया कि असी जो है जांच करवावांगे। तो इस वेले तुसीं देख सकते हो कि जो बिजली विभाग के नाल संबंधित लोग ने उन्होंने वालों हुण इन्हां जिहड़ियां तारां ने उन्होंने कट्टण का काम किया जा रहा और यह तुसीं देख सकते हो कि बहुत मोटिया बिजली दी तारा ने, हाइपर टेंशन तारा जिन्हां नूं असीं कह दिंदे आ। तां इह पूरे हॉस्पिटल दे विच बिजली इत्थों सप्लाई हुंदी सी, तां इह फायर स्टेशन जित्थों कि इस दी शुरुआत हुई सी और इह अग जिहड़ी हौली हौली फैलदी फैलदी हस्पताल दे होर हिस्से तक पहुंची और जिदां ही जानकारी मिली तुरंत फायर ब्रिगेड नूं सूचित किया गया और उन्हां दा कहना कि 20 मिनट दे विच अग दे उपर काबू पा लिया गया सी। तां बड़ी ही सूझबूझ दे नाल जिहड़ा प्रशासन ने काम किया जिस करके कि कोई नुकसान जिहड़ा वह नहीं होया। हालांकि जानी नुकसान नूं जेकर असी छड्डीए तां माली नुकसान जो है वह सरकारी जरूर होया, भावें हॉस्पिटल की असी गल करिए जां फिर PSPCL दे नाल संबंधित। तां हुण जो है वह इत्थे अग बुझाउण तों बाद होर जिहड़ा जरूरी काम है वह किया जा रहा है। ये तुसीं देख सकते हो कि भावें वह छत्तां होण
ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।